जैसे मुझे अगर बोलना हो कि मैंने बाल उगाने के बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं उगा पाया, तो मैं कहूंगा आई ट्राइड लॉट टू ग्रो हेयर बट आई कुडंट ग्रो माई हेयर बट आई कुडंट ग्रो माई हेयर। अब देखिए, दो दो बार ग्रो हेयर ग्रो हेयर आया, नहीं होना चाहिए ये सेंटेंस में, इसी को रिडंडेंसी कहते हैं। तो ये बाद वाला जो ग्रो हेयर को हटाना हो तो इसके लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है बट इन वेन, बट इन वेन। बट इसका मतलब होता है लेकिन सब बेकार, आपने जो भी कोशिश की वो सब बेकार हो गया। आई ट्राइड अ लॉट टू ग्रो हेयर ऑन माई हेड बट इन वेन, मतलब मैंने बहुत कोशिश की अपने सर पे बाल उगाने की लेकिन सब बेकार हो गया, लेकिन मैं कर नहीं पाया, इसका एक मतलब है। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री बनने की लेकिन वो बन नहीं पाए अभी तक। राहुल गांधी ट्राइड अ लॉट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री बट इन वेन। मैंने उसका प्यार जीतने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं जीत नहीं पाया। आई ट्राइड अ लॉट टू विन हर लव बट इन वेन। तो ये इन वेन बहुत काम का फ्रेज है आपके लिए, जब भी कोई चीज, कोई भी काम आप करने की कोशिश करें और वो ना हो तो उसके लिए आप इन वेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन वेन।